कांग्रेचुलेशन फिल्म का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है जी शुक्रिया हर कोई बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा है फिल्म को तो क्या फील करते हैं जब कोई भी फिल्म आती है इस तरह से और हर जगह वाओ क्या फिल्म है बहुत ही अच्छा महसूस होता है क्योंकि इतना जो हम सब ने मेहनत की है यू नो सब पूरी टीम की जो मेहनत होती है और जब और आप फिल्म किस इनके लिए बनाते हैं अपने ऑडियंसेस के लिए बनाते हो और स्पेशली ये जो महाराष्ट्र की जो ऑडियंस है क्योंकि ये वो लोग इस फिल्म के से बहुत वाकिफ़ हैं यू नो वो इस किरदार को लेकर जानते हैं कि ऐसा सारा कुछ हुआ था यहाँ पर मुंबई में तो जब उनके ऑडियंस के रिएक्शंस मिलते हैं यू नो जो जिस तरीके से बाहर आके वो पसंद करते हैं फिल्म को तो एक रिलीफ होती है और बहुत खुशी महसूस होती है मैंने आपसे बात भी की कि जब मैंने लोगों का रिव्यू भी किया जब लोग थिएटर से लोगों का ये भी अच्छे तो वाओ क्या फिल्म हूबहू अर्जुन जी हूबहू अरुण जैसे लग रहे थे इस तरह का कमेंट मिलता है तब क्या फिल्म क्योंकि हमेशा या किसी के ऊपर फिल्म बनाना वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि हूबहू उनकी तरह हो पाएगा यानी एक थोड़ा सा ये लेकिन जब इस तरह का कमेंट किया अरे अर्जुन जी सेम दिख रहे हैं क्या हाँ यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जब वो जब दर्शक फिल्म देखे और मुझे देखे फिल्म में तो मैं नज़र नहीं आना चाहिए यू नो उन्हें अरुण गावली ही दिखना चाहिए वहाँ पर और ये मेरे डायरेक्टर रोशन मालूवालिया की भी मेहनत थी जिन्होंने मेकअप हेयर वार्डरोब सारा कुछ किया मेरी खुद की जो एफर्ट थी वो उसी तरफ हमने फोकस किया था कि यू नो कितने करीब हम आ सकें उस किरदार के आई थिंक वो और जब दर्शक को भी वही लगता है और वही कमेंट्स देते हैं कि हमें अर्जुन रामपाल नहीं दिख रहा हमें अरुण गावली ही नज़र आ रहे हैं वहाँ पर पर्दे पर वो सबसे बड़ी अप्रिसिएशन और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहता है फिल्म की शूटिंग के दौरान जब ये फिल्म अनाउंसमेंट हुई तब आपने सोचा था कि इस तरह से हो पाएगा सब कुछ बिल्कुल नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचा था एवरी डे एक छोटा सा चैलेंज था एवरी डे आप जाते थे काम पर यू नो और कॉन्सेंट्रेट करते थे कि एकदम हम भटके नहीं कभी कभी क्या हो जाता है आप सोचते हो कि हाँ यार इसको और डायलॉग दे दो या इसको एक और एक्शन सीक्वेंस दे दो या थोड़ा और हीरोइक बना दो या ना ये सारी चीज़ें आपके जहन में कभी कभी आ जाते हैं कि क्या ये ज़्यादा कमर्शियल होगी नहीं होगी ये सारे ख्याल भी आते हैं आपके दिमाग में मगर मेरे ख्याल से अगर आप सच्चे दिल से फिल्म बनाते हो और उसके अंदर ही उसके साथ ही जुड़े रहते हो तभी जाके आपको ये ऐसी रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो तो सबसे बड़ी क्रिटिक है मेरी और उन्होंने उनको अगर अच्छी लग गई तो सबसे पहले चैलेंज वो दूसरा है दूसरे चैलेंजेस वो होते हैं कि आपके दोस्त आपके घर वालों को आपके जो इंडस्ट्री के जो कॉलीग्स हैं उनको क्या लगा सेम रिएक्शन रहा सभी तरफ से कि ये एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है ये एक ऐसी फिल्म है जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं की है और इट्स अ प्राउड मोमेंट यू नो उनके लिए उनको अच्छा लगता है कि ठीक है तुमने जाके कुछ अच्छा किया है अपने करियर में अपनी ज़िंदगी में और ये लाइफ भर आप प्राउड रहेंगे आपके इस एफर्ट को लेकर यार इतनी जल्दी मुझे मत मार देना मगर होपफुली और भी किरदार होंगे जो मरने से पहले मैं कर सकूं ये क्या है वहीं पर है आई थिंक इट इज टॉप पर ज़रूर है यू नो परफॉर्मेंस को लेके मेरे करियर में यू नो या एक फिल्म को लेकर मेरे करियर में डेफिनेटली इट रैंक्स अप देयर तो रैंकिंग के हिसाब से फ़िलहाल तो टॉप कर रही है और होपफुली अगली जो फिल्में करूँगा मैं तो दोज विल ऑल्सो बी अप देयर मगर हर फिल्म अलग होता है हर किरदार अलग होता है और मैंने तो यही तय कर दिया था काफ़ी सालों पहले कि जो भी काम मैं करूँ उसमें यू नो कुछ अलग कुछ हटके कुछ अलग किस्म के किरदार निभाऊं क्योंकि मैं फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस को दिमाग में रख के नहीं करता यू नो मैं फिल्म करता हूं तो उसके कला के लिए करता हूं कि एक फिल्म बन जाए जो शायद
चार साल बाद या जैसे कि आप कह रहे हैं यू नो पाँच साल बाद या फिर 50 साल बाद भी लोग उसे एक रेफरेंस पॉइंट से देखें? क्योंकि बॉक्स ऑफिस की बात की, मैं बॉक्स ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूटर, हमने देखा कि फिल्मों को बढ़ा दिया है और सारी स्क्रीनिंग हो गई है फिल्म जी, तो ये मानती है एक फिल्म की जीत है आपके। हाँ, जब ये देखिए आप खुद तो बढ़ा नहीं सकते स्क्रीन, यू नो अगर जब ऑडियंस की डिमांड आती है, रिएक्शंस आते हैं, तो उस हिसाब से ही जाके स्क्रीन्स बढ़ती हैं आपके। तो ये हमारे एग्जिबिटर्स के तौर से आया था कि देखिए फिल्म अच्छी चल रही है, यू नो इसमें डिमांड है फिल्म की, आपके शो टाइमिंग स्क्रीन्स आपको बढ़ाने चाहिए, तो उस हिसाब से हमने बढ़ाए हैं स्क्रीन। आई थिंक कुछ 35 स्क्रीन्स यहाँ पर महाराष्ट्र में ही बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि लास्ट टू थ्री डेज में के फैमिली वालों ने भी सभी देखे, सभी कोई मौजूद, आप थे वहाँ पर? जी मैं वहाँ था, वो हमारे ऑफिस में भी हाँ सब देखा, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। हाँ, उन सभी का क्या रिएक्शन था? आपने देख लिया कैसे रिएक्शन से? हाँ देखिए, बहुत जिम्मेदारी होती है जब आप किसी जीवित इंसान पे फिल्म बना रहे हो, उनके परिवार को लेकर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे कंधों पर, कि उनको भी लगना चाहिए, खुश लगना चाहिए, उन्हें खुशी महसूस होनी चाहिए कि हाँ यार जो भी फिल्म बनाई है उन्होंने सही तरीके से बनाई है। हमने वो भी रास्ता नहीं लिया कि उन्हें सिर्फ ग्लोरीफाई किया जाए, यू नो क्योंकि फिर लोग बोलते हैं यार ये प्रोपोगंडा वाली फिल्म हो गई है, आप एक ऐसे ही गैंगस्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो उनका सारा कुछ दिखाया उनके ज़िंदगी में, यू नो जो उनका डार्क साइड था, जो भी साइड था, वो आई थिंक पहली बात अरुण गावली ने जो हमें हम पर जो विश्वास किया, हम पर भरोसा किया कि ठीक है आप जाके उस हिसाब से ही फिल्म बनाइए, क्योंकि ज़्यादा करके बायोपिक्स सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी चीज़ें नहीं दिखाते इंसान के, और ये हम नहीं करना चाहते थे। तो घबराहट थी कि जब बुरी चीज़ें देखें तो उन्हें यू नो बुरा ना लग जाए और सिर्फ अच्छी चीज़ें देखकर ही वो खुश ना हो, मगर आई थिंक टोटैलिटी में जो उन्होंने फिल्म देखी उनको भी बहुत अच्छी लगी और वो वाकई में बहुत खुश रहे, तो वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी मेरे लिए। मैं डैडी की अगर मैं बात करूँ, अरुण जी की बात करूँ, कि आप हमेशा से आपकी इच्छा थी कि उनको ये फिल्म दिखाई जाए, लेकिन कोरोना की वजह से सब पॉसिबल नहीं, पर आप चाहेंगे कि जेल में उनके लिए ऐसे कोई, आप मेरे लिए परमिशन ले आइए जेल में जाके उन्हें दिखाने के लिए, तुम्हें दिखा दूंगा तो मैं क्या करूं यार। जेल में तो मुझे भी डाल दिया ना, पिक्चर के एंड में मैं भी जेल में ही जाता हूं, और आपको आपका इरादा है मैं जाके जेल में बैठ जाऊं तो मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये देखिए ये कॉन्विक्ट्स हैं, कन्विक्टेड लोग हैं, यू नो अब जुडिशल सिस्टम अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं बोल देता ठीक है यार उस पर फिल्म बनी है जाके दिखा दो, मगर उसके लिए शायद एक दूसरा आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें कर सकते हो आप, क्योंकि जेल जेल होता है, यू नो जेल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर यू नो आप मनोरंजन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, मगर शायद अगर जिस तरीके से लोगों ने फिल्म को सराहा है यू नो और इसकी अगर मोमेंटम चलती ही रही तो हम शायद अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है एक स्क्रीनिंग रख दें सारे कैदियों के लिए वहाँ पर, यू नो और अरुण गावली जिस जेल में है नागपुर में, अगर उस तरीके का परमिशन मिल जाए तो ज़रूर मैं ले जाऊँगा फिल्म और उन्हें दिखा दूँगा। इसके अलावा पलटन जो आपकी जी क्या यार, अभी मैं इससे निकला हूँ डैडी से, तो अभी थोड़ा बहुत मुझे वापस यू नो अभी रिलीज़ हो गई है पिक्चर, रिएक्शंस आ गए हैं ऑडियंस के, यू नो पिक्चर चल रही है अब कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं, मगर तो अभी पलटन पे अभी दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे, तो ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है अनफॉर्चुनेटली पलटन के बारे में, मगर एक महीना है मेरे पास टू प्रिपेयर, तो तब देखो वो भी एक ट्रू ट्रू रियल लाइफ किरदार पे यू नो इंस्पायर्ड करके बनाई गई है। मैं अपने पहली बात तो सारे जितने फैंस हैं जिन्होंने डैडी देखी और उसे इतना सराहाया और इतना प्यार दिया उनकी उनको मेरी तरफ से ढेर सारी यू नो धन्यवाद और जय शंभो नारायण, और जिन्होंने नहीं देखी है अभी जाके टिकट लीजिए और जाके डैडी देखिएगा। थैंक यू।